गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5, चैप्टर 6 है स्टूडेंट, ये क्लास 7 का, और इसका नेम है द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, 6.5 एक्सरसाइज को हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, और हमने बहुत ही आपको डिस्कस जब किया था तो ये बताया था कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और बड़ी आपने इसका नाम भी सुना है। क्या है वो प्रॉपर्टी? और राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ होती है, वो है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस, ए राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स और अदर टू लेग्स। ओके, तो इसी का यूज़ यहाँ पर हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड अब डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करें, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल है एट पॉइंट सी, तो इसलिए आप राइट एंगल जहाँ पर भी ड्रॉ कर रहे हैं उसको सी पॉइंट लें। ए बी एंड सी, ए बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमें इस ट्राइंगल की जो टू साइड्स हैं, हाइपोटेनस ए बी एंड ए सी परपेंडिकुलर, दोनों ही गिवन है, बट हमें थर्ड जो साइड है यहाँ पर बेस बी सी, इसकी लेंथ को हमें फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी नो ए बी ए बी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, और अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, ए बी 25 होल स्क्वायर, ए सी 7 होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 25 होल स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी? 25 × 25 625 इक्वल टू 49 प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट, 49 को हम दूसरी साइड में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव है, वहाँ पर ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो करते हैं इसको, यहाँ तक क्लियर है? यू अंडरस्टैंड? यस, ओके, तो चलें आगे चलते हैं। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 625 − 49, देन बी सी स्क्वायर इक्वल टू 576, बी सी इक्वल टू रूट 576, 576 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट आप फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीज़न मेथड से, आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप डिवीज़न मेथड से फाइंड करते हैं तो देखिए, पीछे से ये पेयर हमने बनाया यहाँ पर, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 24। सो स्टूडेंट, फाइनल आंसर
द लेंथ ऑफ BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर यूज बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी पुट द वैल्यू एंड फाइंड द थर्ड साइड और थर्ड साइड बेस BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प के लिए आपको फिगर जरूर ड्रॉ करना होता है उसी की हेल्प से आपको ईजली आप सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर यहाँ पर फिगर है स्टूडेंट और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है फिफ्टीन मीटर ट्वेल्व मीटर एंड ए क्वेश्चन इज ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच एट ए विंडो 12 मीटर हाइट एक अर्थ के बेस जो है आपका यहाँ से 12 मीटर हाइट पर एक विंडो है एक लैडर लीडर मीन्स सीढ़ी एक सीढ़ी अर्थ के इस पॉइंट से विंडो के इस पॉइंट पर टच कर रही है स्टूडेंट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए और ये वॉल से ये जो डिस्टेंस है लैडर के फुट का वो ए है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल तो वॉल से दीवार से जो फुट है लैडर का इसका डिस्टेंस ए इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है स्टूडेंट जो वॉल है वो तो परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बेस के साथ इसका मीन्स ये यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की शेप बन रही है ना अब जब राइट एंगल ट्राइंगल की शेप बन रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए लैडर की जो लेंथ है 15 मीटर ये हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर है और ए की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है ये क्या है बेस तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करें बाय प्रॉपर्टी फिफ्टीन होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर देखिए ये हाइपोटेनस है स्टूडेंट तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है दिस इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी 15 का स्क्वायर 225 ए की पावर 2 प्लस 144 ए स्क्वायर 225 माइनस 144 देन ए स्क्वायर इक्वल टू 81 ए की वैल्यू फाइंड करनी है क्या करें स्टूडेंट यस स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड कर रहे हैं देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू रूट 81 और रूट 81 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट बताइए यहाँ पर कर देते हैं देखिए ए इक्वल टू रूट 81 ए इक्वल टू 9 मीटर सो स्टूडेंट वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर टू द वॉल जो दीवार है दीवार से लैडर का जो फुट है सीढ़ी का जो नीचे का पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है 9 मीटर और इसमें हमने क्या किया है पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ की है सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.5 में मेनली आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना है और उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्लियर स्टूडेंट
नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।